पर बैठे किसानों ने की घर वापसी, फूल माला डालकर किया खुशी का इजहार। मुरादाबाद, आज 12 दिसंबर 2021 को रामपुर दोराहा जिला मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री साकिर अली अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश, प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद रिजवान राजीव चौहान, पश्चिम उत्तर प्रदेश महामंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी नजीर पाशा, अखिल जिला अध्यक्ष मुरादाबाद सहित दर्जनों पदाधिकारी को घर वापसी पर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मोहम्मद इदरीश, प्रदेश उपाध्यक्ष, ने कहा कि यह जीत हमारे हर किसान की, हर कार्यकर्ता की है। हमारे 700 से अधिक किसान व कार्यकर्ता जो शहीद हुए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। एक साल से ज्यादा इस कामयाबी में लगा हर किसान व कार्यकर्ता ने अपना कीमती समय, घर बार छोड़कर जो धरने में दिया, उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। हम सब किसानों के संगठनों के वरिष्ठ नेताओं को, बुजुर्गों को, हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान संख्या मोर्चा ने भी सभी साथियों को मुबारकबाद। प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह चौहान अपनी बात रखते हुए सभी साथियों को धन्यवाद दिया। नाजिर पाशा, पश्चिम प्रभारी उत्तर प्रदेश, न प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश के पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री साकिर अंसारी ने सभी कार्यकर्ता व किसानों का स्वागत करते हुए मुबारकबाद दी। हर मासिक बैठक में सभी के आने के लिए कहा गया। अखिल जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ता व किसानों का शुक्रिया अदा किया और कहा, जो भी छोटी बड़ी समस्या हो, उसका निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए। संगठन को और मजबूत करने के लिए भी बल दिया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। संचालन राजीव चौहान महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किया शामिल रहे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शाकिर अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीश, नाजिर पाशा प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश, मोहम्मद रिजवान प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, राजीव चौहान महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश, संगठन मंत्री सतिंदर सिंह चौहान, अकील जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, रईस अहमद अंसारी, नसीम कुरैशी, मकसद अली, अजीम अंसारी, इलियास चौधरी, जफर कुरैशी, मोहम्मद फैज पाशा, नईम अंसारी, अजीम कुरैशी, अख्तर अली, जलील अहमद अंसारी, इरशाद चौधरी आदि। किस मामले में मीटिंग थी आज? जो है हमारी एक मासिक मीटिंग भी थी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की। उसके साथ साथ में जो किसान हमारे जो भाई सारे जो है किसान यूनियन के जो लोग और जो किसान हमारे जो थे जो बॉर्डर पे बैठे थे, वो टीकरी बॉर्डर और जो जगह जगह बॉर्डरों पे थे, उनकी जो विदाई हुई है, उनका एक जो है समारोह यहाँ जो है रखा गया था। सबको जो है सम्मान समारोह किया गया है, सबको सम्मान दिया गया है। और जो किसान लोग हमारे भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े हैं और जो अन्य लोग हैं, उनका भी सबका स्वागत किया गया है फूल माला पहनाकर। और ये जो है जो सरकार ने जो तीनों काले कानून वापस लिए हैं, और जो हम सब किसानों की, हमारे किसान यूनियन के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन लोगों की सब बात रखी गई है और उसको माना गया है और लिखित में भी दिया गया है, हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। और जिस किसान ने इसमें सहयोग करा है, जो हमारी यूनियन में और सारे धरना प्रदर्शन में जो रहे हैं, उन सबको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और साथ में जो 700 शहीद हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए भी हम बहुत बहुत मतलब वो हैं कि उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं। और उनकी जो उन्होंने अपनी जो है कुर्बानी दी है, वो भारत के हमारे हर किसान के लिए एक मिसाल है। और उनकी कुर्बानी जो है खाली नहीं गई, और उनकी वजह से और सब की वजह से ये जो हमें कामयाबी मिली है, इसके लिए हम बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद देते हैं। और हमारे सब किसान भाई आपस में सारे यूनियन के लोग, किसी भी यूनियन से जुड़े हों, सारी एकता देखो ये रंग लाती है। और जब हम सब एकता रहेंगे, तभी ये किसान जो है बात सरकार से अपनी मनवाएंगे। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सरकार के सामने किसान जो है अन्नदाता है, और किसान ही जो है पैदा करता है, वही हमारा देश भारत खाता है। इसलिए हमें सबको एकता से रहना है, और किसान भाइयों को अपने अपने जो है खेतों में सब लोग आए हैं और अपना काम करें और मेहनत से अपनी लगन से दोबारा से किसानी में डट जाएंगे।